Assalamualaikum guys, मैं मुतफ़ाइल अमान और welcome to my new vlog तो नहीं है खैर, आज के trending topic पे बात करते हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया की fight हो रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कल 10:28 पे पाकिस्तान की LOC की violation हुई जो कि इंडियन एयरफोर्स ने की, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की, रिस्पॉन्ड किया प्रॉपर, उनके दो फाइटर जो एयरक्राफ्ट गिराए जो कि MiG-21 थे। तो इंडिया वालों तू की कहना पाकिस्तान ते हमला करना है पुत्र, आ ना हमला करने दे पुत्रा, साढ़े को एटम बम भी है करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का, और जेट जो कल यूज हुए उनका, और जो उनका विंग कमांडर अभिनंदन है जो कि हमारी कस्टडी में है उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। तो जो कल एयरक्राफ्ट उन्होंने यूज़ किए वो थे उनके MiG-21 जो कि एक 40 से 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट है जिनको अपग्रेड किया गया है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ। जबकि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे जिसमें JF-17 Thunder था जो कि पाकिस्तान चाइनीज़ मेड फाइटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब ये है कि एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करता है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो MiG-21 एक ओल्ड मशीन है एज़ कम्पेयर टू F-16, और F-16 इज़ अ फोर्थ जनरेशन फाइटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। और अगर हम रेडार की बात करें तो रेडार जो मेन कंपोनेंट होता है एयरक्राफ्ट के, तो जो बाइसन में यूज़ होता है रेडार AVG-68 जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स। अदरवाइज़ अगर हम देखे जाएं अपने जो हमारे एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है वो 68 ही यूज़ होता है, लेकिन उसकी रेंज होती है 200 किलोमीटर्स होती है। तो इसे पता चलता है कि हम उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उनको ट्रैक भी कर सकते हैं, उनसे पहले उनको हम मार गिरा सकते हैं जैसे कि कल हुआ। तो ये सब कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल है, हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए जैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, या कमाल कर दिया, बहुत खुशी हुई दिल से। खैर हम इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके एयरक्राफ्ट से मच बेटर हैं, और पायलट स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी। अब MiG-21 में जो हम मिज़ाइल्स की अगर बात करें तो उनके पास लेस कैपेबिलिटी है और स्टोरेज है मिज़ाइल्स की देन हमारे, क्योंकि हम डबल कैरी कर सकते हैं F-16 पे लोड को एज़ कम्पेयर टू MiG-21। और मिज़ाइल भी हमारे जो F-16 में होते हैं वो 9 एयरपोर्ट्स होती हैं जहाँ पे मिज़ाइल लग सकते हैं, तो बाइसन के जो होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मिज़ाइल की है तो वो भी हमारी ज़्यादा है उनसे। तो ये तो होगी एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कि जो कल उन्होंने उनका विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा, कैप्चर किया पाकिस्तान की टेरिटरी में, तो उसकी काफ़ी वीडियोस ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे अपलोड हुई जिसमें वो पहले कन्फेस कर रहा है, कुछ कह रहा है। तो एक और उसकी जो मैंने लास्ट वीडियो रात को देखी तो उसमें वो चाय का कप पी रहा है और वो काफ़ी अच्छा गेस्चर पाकिस्तान आर्मी का बता रहा है। तो नो डाउट हमारी जो आर्मी है वो बहुत प्रोफेशनल है, हम सारे अवाम एक हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का यही ईमान है, पीस की तरफ हम जाना चाहते हैं, जंग हम नहीं करना चाहते, और पीस ही हमारा पैगाम होना चाहिए। तो कल की जो चीज़ थी जैसे हमारे ASPR ने कहा कि ये एक जंग की रिटेलिएशन नहीं थी, एक वो नहीं थी कि हम कोई पीस को ख़राब करना चाहते हैं, बस ये हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने और एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए कि हम दुश्मन जैसे हमारे कंट्री में आ सकते हैं हम भी उनकी कंट्री में जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो जो विंग कमांडर पकड़ा उनके फादर जो हैं वो भी एक फॉर्मर एयर चीफ मार्शल रहे हैं अभिनंदन, तो उन्होंने वीडियोस में बताया। तो जो थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने देखा कि उन्होंने चाय पकड़ी है और वो पी रहा है, तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी लोगों के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू
मी और मेरी रिसर्च जो है, और एक कन्वेंशन पास हुआ था, काफ़ी पुराना है, लाइक मुझे अब याद नहीं है, 1848 आई थिंक सो, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, जो था एक जेनीवा कन्वेंशन। उसके मुताबिक ये था कि जो भी हमारे दुश्मन की एनिमी है वो अगर हमारी कंट्री में आ जाती है तो हम उसको एक तो ह्यूमैनिटी के लिहाज से अच्छा ट्रीट करेंगे और वैसे भी हम उनकी टेक केयर करेंगे, तो ये एक बड़ी बात नहीं है। एक तो हम मुसलमान हैं और हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि दूसरे की मेहमान की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन वो मेहमान नहीं थे, लेकिन फिर भी। तो अब देखा जाए तो जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अमल हो रहा है जैसे मुझे लग रहा है, तो होप सो अब आगे क्या होता है, हमारी पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि क्या होगा। तो होप सो कि पाकिस्तान एक अच्छा कदम उठाएगी अपनी नेशन के लिए, सब के लिए, क्योंकि जंग एक ऑप्शन नहीं है। जंग में आवाम की और लोगों की जानों का ख़तरा होता है। ख़तरे की बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ की जो पीपल हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो जंग एक ऑप्शन नहीं है, हमें पीस का पैगाम देना चाहिए। और ये वीडियो जो थी ये भी पीस पे थी, ये वीडियो का मकसद ये नहीं था किसी की एबिलिटी दिखाना। कुछ चीज़ों में वो हमसे आगे हैं, कुछ चीज़ों में हम उनसे आगे हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना। बस हमारे में एक जज्बा है जो जज्बा ईमानी है और वो हमेशा रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और मेरी लास्ट वीडियो पे 1.2K व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए यार थैंक्स, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।